हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनबी गैरेज। सभी का नमस्कार। मेरा बीएनबी गैरेज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये एक बुलेट मैचिस्मो 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट एवीएल इंजन है। इसका प्रॉब्लम है, इसका पिकअप बहुत ही कम हो गया है। और इस यूट्यूब चैनल में पिछले एक वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि एवीएल इंजन का क्लच प्लेट और फिशर प्लेट रिप्लेस करने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो मुझे इसी बाइक का, इसी बुलेट का जो पिकअप इशू आ रहा है, इसके लिए मुझे क्लच प्लेट फिशर प्लेट तो चेंज करना ही पड़ रहा है। और उसके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा बाकी, वो भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये डबल टीथ वाला स्प्रॉकेट को निकालने के टाइम जरूर पुलर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आप लोग शायद देख पा रहे हैं कि क्लच प्लेट फ्रिक्शन का जो बॉल रेसर रहता है, वो बॉल निकल चुके हैं। बहुत बॉल निकल गया है और उसका जो बियरिंग का काम करता है वो बॉल, वो काम सही तरह नहीं करेगा। इसके लिए उसका या तो उसका पूरा चेंज करना पड़ेगा असेंबली को, नहीं तो उसको लेथ से बनाना पड़ेगा। क्लच प्लेट फ्रिक्शन खरीद के उसको लेथ में रिवेट करना पड़ेगा। इसका भी रिवेट लूज हो चुका है, इसलिए इसका अंदर से वेल्डिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, क्लच प्लेट हाउसिंग बहुत महंगा आता है, इसलिए मैंने इसको रिपेयर किया। मतलब मैं आफ्टर मार्केट क्लच प्लेट फ्रिक्शन खरीदा और लेथ से मैंने इसको रिवेट करवाया। और देखिए कैसे बॉल को इंस्टॉल कर रहा है ग्रीस के साथ। वैसे तो अगर आप सिर्फ क्लच प्लेट और फिशर प्लेट रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम 30-40 मिनट लगता है। लेकिन इसमें अगर आप क्लच हाउसिंग खोलेंगे, मतलब क्लच का काम करवाना चाहते हैं, तो उसमें काम बहुत कुछ निकलता है कि ये रिप्लेस करो, वो रिप्लेस करो, इसलिए टाइम तो आगे बढ़ता ही है। जैसे कि इस बुलेट के लिए मुझे लेथ में जाना पड़ा और कुछ मटेरियल भी परचेस करना पड़ा था, और मेनली लेथ में जाके उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया।
दोस्तों, मेरा इस चैनल का वीडियो अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूं। और आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेरीज रहे या तो बुलेट या टू स्ट्रोक बाइक या तो कुछ भी नया बाइक या पुराना कोई भी बाइक जिसके ऊपर आप लोगों को चाहिए कि ऐसे वीडियो बनाना चाहिए या आपको ऐसे लगे कि मैं वो वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे को यूट्यूब में मैसेज करके डाल दीजिए कि ऐसे वीडियो आपको चाहिए, तो ज़रूर आगे मैं आपको ऐसे वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा। और प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ।